नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित निकेतन अनिल जोशी आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कालाष्टमी के बारे में। जी हां दोस्तों, किसी भी माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हम कहते हैं कालाष्टमी। दोस्तों, काला अष्टमी तिथि इस बार पड़ने वाली है 3 मई को, दिन सोमवार को। दोस्तों, अष्टमी तिथि के बारे में बात करने के साथ साथ हम बात करेंगे कि आपको कालाष्टमी में किस भगवान की पूजा करना है, पूजा विधि क्या रहने वाली है, तथा साथ में आपको उपाय बताएंगे जिसको आपको कालाष्टमी में करना ही है, जिसे करने से सभी रोग दोष यह दूर होते हैं। तो दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हो तो पहले सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए हमारे इस YouTube चैनल को, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही वास्तु टिप्स, एस्ट्रोलॉजी अपडेट्स और भी कई सारी जानकारी लेकर के आते रहता हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस बार कालाष्टमी यह पड़ने वाली है 3 मई को। सबसे पहले बात करते हैं तिथि के बारे में। तो 3 मई को अष्टमी तिथि यह प्रारंभ होगी दोपहर 1:49 से। दोपहर 1:49 से सोमवार को 3 मई को यह तिथि प्रारंभ होगी और यह रहेगी 4 मई को, मंगलवार को दोपहर 1:10 तक के यह अष्टमी तिथि रहने वाली है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि आपको पूजन करना किसका है। दोस्तों, कालाष्टमी में हमेशा भगवान शिव का तथा भगवान काल भैरव का पूजन होता है। तो आपको भी इस कालाष्टमी में भगवान शिव जी का, साथ में उनके रूप काल भैरव का, बटुक भैरव का पूजन करना है। दोस्तों, भैरव जी यह सभी रोगों को दूर करने वाले होते हैं, तथा भैरव जी का जो भक्त होता है, इस भक्त के पीछे सारी समस्याओं का, सारे रोगों का भगवान भैरव जी निदान करते हैं, रोगों को दूर करते हैं। तो दोस्तों, भगवान भैरव जी की और भगवान शिव जी की फोटो लेकर आपको सायंकाल के समय इनकी पूजा करना है। जल से, गंगा जल से, कुमकुम, चंदन, रोली, पुष्प, हार, नैवेद्य, इस प्रकार से आपको विधि पूर्वक भगवान शिव जी की, भगवान भैरव जी की पूजा करना है। भैरव चालीसा का पाठ करना है, शिव चालीसा का पाठ करना है। तथा दोस्तों, आपको शाम के समय एक महा उपाय करना है। दोस्तों, यह महा उपाय यह रहने वाला है कि आपको कालाष्टमी के दिन अर्थात 3 मई को, मंगल सोमवार को, आपको रात के समय अपने घर की जो रोटी बनती है, आखिरी रोटी जो रहेगी दोस्तों घर की आखिरी रोटी को आपको दोस्तों मीठी बनाना है, और उस मीठी रोटी को आपको अपने हाथों से एक किसी कुत्ते को खिलाना है। दोस्तों, कुत्ता का अर्थ होता है भगवान भैरव जी का वाहन। तो आप दोस्तों अपने हाथों से या घर के सभी व्यक्तियों के हाथों से एक एक रोटी आपको कुत्ते को खिलाना है। दोस्तों, हो सके तो कुत्ता घर का नहीं होना चाहिए, किसी बाहर का जो कुत्ता होता है जो कि आवारा घूमता है, उस कुत्ते को दोस्तों आपको यह रोटी, मीठी रोटी खिलाना है, जिससे कि दोस्तों आपके रोग दोष सब काल भैरव भगवान दूर करेंगे। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइए, तथा आने वाले ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब अवश्य कीजिए हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।